बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी और वो रेसिपी ये है कि आप पिज़्ज़ा के लिए डो किस तरह से बना सकते हैं। तो पिज़्ज़ा के लिए डो बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक बाउल में हाफ कप वार्म वाटर ले लेना है, नीम गर्म पानी ले लेना है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे एंड 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे एंड देन हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए एक्टिव होने के लिए रख देंगे। इंस्टेंट ईस्ट को ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना चाहिए। अब हमने एक बर्तन में 2 कप ऑल पर्पस फ्लोर ऐड किया है, इसको अच्छी तरह से छान लिया था हमने एंड 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और जो हमने ईस्ट पानी में ऐड करके रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे हम और हम डो बना लेंगे। डो बनाते वक्त ज़रूरत के मुताबिक नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे हम। ऑयल के साथ आपने इसको ग्रीस कर लेना है, बाउल को भी और डो को भी, और डो बना के हम उसको राइज होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं हमारी डो कितनी सॉफ्ट और अच्छी बन के रेडी हो चुकी है और आपने इसको अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लेना है। हमने इस डो को बनाने के लिए 2 कप मैदा इस्तेमाल किया है, तो अगर आप 2 कप मैदा इस्तेमाल करते हैं तो उससे 2 XL साइज पिज़्ज़ा आप तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको इसके साथ, इस डो के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना के तैयार करके दिखाऊंगी। तो हमने हाफ डो ले ली है, उसका पेड़ा बना लेंगे। डो बहुत सॉफ्ट होती है तो इसलिए आप अपने हाथों पर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इजीली आप इसको बेल सकते हैं। देन तो अब हम इसको बेलेंगे फ्रेंड्स। तो आपने बेलने के लिए आपने इसको खुश्क मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो जी फ्रेंड्स, हमने इस डो को अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हमने पैन में जिसमें हमने पिज़्ज़ा तैयार करना है उसके अंदर हम इसको रख लेंगे। पिज़्ज़ा बनाने से पहले आपने फोक के साथ होल्स कर लेने हैं। तो अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा सॉस की फुल रेसिपी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप चैनल को विज़िट करके रेसिपी देख सकते हैं। और अब हम इसकी टॉपिंग कर लेंगे। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है और कितनी अच्छी डो बन के तैयार हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कुक यम्मी, ईट यम्मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।